स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 6 में हैं। हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेसेस पे एंड किया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे इनफैक्ट एंड किया था, जिसके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था उसमें करेक्शन है, ए और ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमने आई लिखा था, ये गलत है। ये एक्चुअली इन्वर्स के लिए वैलिड होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम इन्वर्स पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक है, ये स्मॉल करेक्शन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इनफैक्ट उस प्रॉपर्टी को आप लोग कट कर सकते हैं अपने नोट्स। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स के। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, या फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, जैसा कि हमने देखा था कई सारे मैट्रिक्स जो थे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते थे। टाइप्स जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, 1 1 -1 -1, 2 0, ये +1 है, देन -1 0 5। इसका अगर हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या होगा, इसके रोज को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 1 1 -1। इस वाले को रोज, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट क्या हो रहा, सेम है, मैच कर रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को टी से या डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टाइप होता है जिसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका बेसिक डिफिनेशन क्या होता है कि वैसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर हो, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए होगा उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। इस वाले मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ए डैश अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इस रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अगर हम इस मैट्रिक्स को, ए डैश को और ए को देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इसमें माइनस है उसके अल्टरनेटिव में यहाँ प्लस, ये -1 है तो ये +1 है, ये +2 है तो ये -2 है। अगर इससे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, होल में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 1, ये -2, ये -1 0 और ये 3, ये 2 -3 0। अब हम लोग देखेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स के बराबर है, एक एक एंट्री मैच हो रही, तो मतलब ये क्या बन गया, माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ए डैश किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए, यानी कि ए इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ ए डैश या माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे सिंपल आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिकॉग्नाइज करने के लिए गिवन मैट्रिक्स को, कि ये सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो उसे आपको
ट्रांसपोज लेके चेक करना पड़ेगा कि उसके बराबर है या उसके निगेटिव के बराबर है। अगर उसके बराबर सेम स्क्यू ट्रांसपोज के बराबर ही मैट्रिक्स आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा, और निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब हम लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक्स को पढ़ लिया, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इसी का कंटिन्यूएशन में आता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट वाला पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का हमने बेसिक्स को कर लिया, और हमेशा याद रखिए कि ये साथ साथ चलते हैं, कभी हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, पहले मैट्रिक्स आता है फिर डिटर्मिनेंट आता है। और डिटर्मिनेंट का खास बात क्या है कि ये सिर्फ फोर स्क्वायर मैट्रिक्स ही वैलिड है। ठीक है, तो जो भी हम लोग डिटर्मिनेंट डील करेंगे या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब कुछ जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए है A11, A12, हमने जनरल फॉर्म देखा था इसका A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, n, ये क्या था m क्रॉस n मैट्रिक्स का। तो इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम एक सिंपल एक एलिमेंट लेके भी दिखा सकते हैं, वो कैसे, एक एलिमेंट उठाया उसके सबस्क्रिप्ट में आई जे लिखा और m इंटू n लिखा या m क्रॉस n लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू जो होगी, जो कि रो हमारा बताता है, वो 1, 2 से लेके m तक जाएगा, और j की वैल्यू जो होगी वो कॉलम है वो 1, 2 से लेके m तक जाएगी। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी मैट्रिक्स का होता है, इसे हम लोग सिंगल एलिमेंट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और हमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, m इक्वल्स टू n लेके हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो तो अरेंजमेंट और एरे ऑफ नंबर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में हमने नंबर को नोट डाउन कर लिया। अगर हमें एक एक इस मैट्रिक्स के एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होगी तो हम इसको एक पर्टिकुलर नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसे अगर हम चाहें, अभी तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता ए इक्वल्स टू ए आई जे एन टू एन, तो इस वाले मैट्रिक्स का हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट, जिसे डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि इस वाले जो ये जो हमारा एक एक एलिमेंट है इसको हम लोग एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर है के, इसका अभी हम डिटेल से देखेंगे क्या मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी सिंपल सा ये समझना था कि जो मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम लोग एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए। ठीक है, ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हैज ऑर्डर n, से हम लोग n क्रॉस n मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका भी ऑर्डर हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट भी विल ऑल्सो बी एन। तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किस कितने नंबर और कितने रोज हैं उसमें।
अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। अभी हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, टू क्रॉस टू और टू स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम चीज़। हमें ये चीज़ देखना है कि अपने सिलेबस में ऑर्डर टू और ऑर्डर थ्री के लिए ही डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए जानना चाहिए, प्लस और भी फर्दर क्वेश्चन जो होगा ऑर्डर टू के डिटरमिनेंट और ऑर्डर थ्री के डिटरमिनेंट को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। चाहे तो आप इसे 4x4 के लिए, 5x5 के लिए कर सकते हैं, सबके लिए सेम टेक्निक होता है जो हम सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर टू के, A11, A12, A21, A22, तो ये एक क्या है, मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका डिटरमिनेंट, या फिर DETA भी लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं और डिटरमिनेंट को हम लोग सिंपल मॉड से या फिर वर्ड से डिनोट करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का टेक्निक क्या है, हमें फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड और थर्ड एलिमेंट से। तो क्या बनेगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 A12। बस 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिंपली क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इससे हमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल अगर लें हम लोग, एग्जांपल हमारे पास अगर 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का सिंबल में अगर लिखेंगे तो यहाँ भी हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते थे, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है और वो हमारा डिटरमिनेंट है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो 5 2 10 माइनस 3 4 12 यानी कि -2, ये हमारा एक डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। ऑर्डर टू के लिए अगर हम लोग ऑर्डर थ्री के लिए निकालेंगे तो हम लोगों को स्लाइट अपने टेक्निक में वेरिएशन लाना पड़ेगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके ऑर्डर टू के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके या डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टू सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स कैलकुलेट करना क्या था, बहुत आसान था, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट में क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये डिटरमिनेंट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अभी सीखा था हमने, वो सिंपली क्या था, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसे सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसमें भी कुछ वैसा ही टेक्निक अपनाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें किसी भी एक रो, ठीक है, को पकड़ के उसे ओपन करना होता है, या फिर किसी एक कॉलम को। तो इसमें तीन रो है तो किसी के अलोंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन कॉलम है तो किसी के अलोंग, एनी ऑफ द थ्री कॉलम्स और एनी ऑफ द थ्री रोज के अलोंग हम लोग डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले रो के अलोंग अगर हम ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली आपका स्टेप्स ही हैं और ये इसी तरह से
कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमने लिया A11, इसको हमने बाहर लिखा, और डिटर्मिनेंट जो लिया हमने, वो जो एलिमेंट को चूज किया उसके रो और उसके कॉलम को एलिमिनेट करके, ख़त्म करके जो बच गया एलिमेंट उसको हमने 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख दिया, A22, A23, A32 और A33। अब सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उसको हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, A12, और उस वाले रोज और उस वाले कॉलम के एलिमेंट को हटा के जो बच गए हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखते हैं, A21, A31, ये बच गया और ये बच गया, A23, A33। और थर्ड वाले के लिए फिर से हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, A13, और इस रोज़ को जिसका एलिमेंट है और उसका कॉलम को जिसका वो एलिमेंट हटा के जो बच जाता है उसे हम लोग फिर से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, A21, A22, A31, A32। अब हम फर्दर इसे 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, और 2x2 मैट्रिक्स का तो हमने अभी सीखा था, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो हमने एलिमेंट्स बाहर लिखे हैं उससे हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्या होगा अगर इस वाले टर्म को देखेंगे तो डिटर्मिनेंट A=, क्या होगा, A11, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A33 माइनस A23 इंटू A31, थर्ड वाले एलिमेंट को करेंगे तो क्या आएगा, A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 इंटू A31। इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबट्रैक्ट एडिशन कर देंगे तो हमें फाइनल डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स के मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम बोल लेते हैं अभी कि इसे हमने फर्स्ट रो के अलोंग ओपन किया था, सिमिलरली हम लोग सेकेंड रो के अलोंग कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग थर्ड रो के अलोंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम के अराउंड कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ हेल्पफुल टेक्निक ये होता है, सबसे पहले तो साइन का रूल जो होता है वो हम जानते हैं। साइन का रूल ये है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, सेकेंड वाले के साथ माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव साइन यूज होता है। जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट को ओपन किया था तो उसके आगे हमने प्लस सिंबल यूज़ किया था, अगर सेकेंड एलिमेंट के लिए को मल्टीप्लाई किया था तो उसे हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किए थे, और थर्ड वाले के साथ किया था तो प्लस के साथ ओपन किया था। उसी तरह अगर हम सेकेंड रो के अलोंग खोलते हैं तो उसके लिए हमें पहले यहाँ माइनस लिखना होता, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। थर्ड रो के अलोंग खोलते हैं तो सिमिलरली हमें यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अगर कॉलम के अलोंग खोलते तो सिमिलरली यहाँ पे प्लस के साथ, माइनस के साथ और ये प्लस के साथ आता। जैसे कि हम लोग अभी एक इसी एग्जांपल को दोबारा करते हैं, लेकिन हम लोग किसी और रो या कॉलम के लॉन्ग ओपन करेंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए हम लोग सेकेंड कॉलम के अलोंग खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, सेकेंड में फर्स्ट क्या है, माइनस साइन है, तो इसमें हम माइनस A12 के साथ ओपन करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट इस रो को ख़त्म करके और इस कॉलम को ख़त्म, इस रो कॉलम को और इस रो को ख़त्म कर देंगे जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करता, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, A21, A31, A23, A33, ठीक है, ये आ गया। तो फिर सेकेंड एलिमेंट में क्या, प्लस साइन के साथ आएगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है, A22। अब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का, इसके रो और इसके कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो बच गया ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट,
उसका हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, ये 1 3 और ए 3 3, और फिर थर्ड एलिमेंट को हम लोग माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट क्या है, ए 3 2 है, ए 3 2 के अलॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो ख़त्म होगा, तो बचा ए 1 1, ए 2 1, ए 1 3 और ए 2 3। ठीक है, इसे हम सिमिलरली मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और इसे जब रीअरेंज करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हम यहाँ से ऑब्टेन कर रहे थे वही चीज़ हमें यहाँ से भी ऑब्टेंड होगा। तो हम इसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अगर ओपन करेंगे इस तरह के टेक्निक को यूज करके 2x2 मैट्रिक्स को बना के, डिटर्मिनेंट को बना के, तो हमारा आंसर सेम आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अलोंग जीरोज होंगे, इंट्री जो उनके संख्या जो है वो अगर जीरो हैं, तो अगर हम लोग उसके अलोंग खोलेंगे तो क्या होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन जीरो से होगा और हमें एक आसान सा कैलकुलेशन निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 1 1 -2 0 1 -3, ठीक है, 5 4 -9, ये हमारा मैट्रिक्स है और इसको हमें क्या करना, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो अभी हम बोल रहे थे कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं, तो इसे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो फर्स्ट वाले रो में सारे नंबर है, सेकेंड में एक जीरो है, तो इसे हम सेकेंड रो के अलोंग खोल सकते हैं, या फिर कॉलम में हम जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो मिलेगा। तो चाहे तो आप फर्स्ट रो या फिर सेकेंड, फर्स्ट कॉलम या फिर सेकेंड रो के अलोंग खोल सकते हैं। यहाँ मैं सेकेंड रो के अराउंड खोल रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड रो में ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमने साइन का जो रूल देखा था उसमें क्या था, ये था प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, इसके अलॉन्ग खोल रहा था। हम ये रो को चूज कर रहे हैं तो पहले माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस जीरो टाइम्स क्या होगा, इस रो, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे तो जो बच गया उसको लिखेंगे, तो क्या है, बच गया 1 -2, इसे डिलीट किया, इसे डिलीट किया, 1 -2 4 -9, फिर क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ था तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस 1, इस वाले कॉलम को, इस रो को डिलीट किया तो बचा 1 5 और -2 -9। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगा, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ -3, तो ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, 1 1 5 4। ठीक है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो है तो जो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हुआ, ये नंबर, ये जो वैल्यू हो गई फर्स्ट टर्म, ये जीरो हो जाएगा, तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग खोलना चाहिए जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। अगर मान लीजिए यहाँ भी जीरो होता तो क्या होता, ये वाला भी टर्म जीरो हो जाता, सिर्फ हमें एक टर्म कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो -9 और -10, -10 -10, यहाँ पर क्या हो गया, +10 और ये --+3 और ये क्या होगा, 4 -5, तब क्या वैल्यू आ रही है, 10 -9 1 1 into 1 1 plus 4 -5 -1 plus 3 -3 1 -3 -2। क्लियर है? इस तरह से हम लोग 3x3 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में भी ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालने आना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग इसके इन्वर्स को देखेंगे,
या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो वो भी 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के ही प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर डिटरमिनेंट में इंटरचेंज करते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है वो हमें जानना है। कि अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और उसके इफ वी इंटरचेंज ऑल रोज विथ कॉलम्स और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब कि हम लोग या तो सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर सारे कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो मैट्रिक्स पे देन द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये ऐसा हमने इंटरचेंज वाला कहाँ देखा था, ट्रांसपोज में। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसके रोज और कॉलम को हम लोग जो इंटरचेंज कर रहे थे तो उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस वाले केस में क्या होता है, ट्रांसपोज और जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट दोनों बराबर होते हैं, इसके वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसे हम लोग न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट से लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी ये भी याद कर सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो उसके ट्रांसपोज लेने से, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो एडजेसेंट रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो एक माइनस से, डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। इफ़ वी इंटरचेंज वन पेयर ऑफ रोज या कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव। क्या मतलब इसका कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 3, ठीक है, और इसके हमने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बनाया बी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं किसी एक पेयर को, किसी एक पेयर रोज कॉलम या फिर किसी एक पेयर रोज को इंटरचेंज करते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, हम लोग इसको मान लीजिए इंटरचेंज करते हैं तो बी मैट्रिक्स बन रहा है क्या 1 4 0 3 6 3 6 3 2 5 0। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, हमने देखा था कि जीरो के लॉन्ग खोलना चाहिए, तो आइए हम लोग थर्ड रो के लॉन्ग खोलते हैं।
थर्ड रो के लॉन्ग अगर खोलेंगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को जीरो ही होगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला भी जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला देखना पड़ेगा। तो इसमें साइन का रूल चलेगा, जो फर्स्ट में चलता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ भी प्लस माइनस प्लस चलेगा, ठीक है। तो ये प्लस साइन के साथ लिखना था हमें, ये माइनस साइन के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों जीरो है। प्लस थ्री इंटू ये वाला रो ख़त्म हो जाएगा, ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, 1 2 4 5, तो क्या बन गया, 3 × 5 − 8, 5 − 8, तो 5 − 8 क्या होगा, -3, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो -9। अगर हम बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अगेन हम लोग इसे सेकेंड थर्ड रो के लॉन्ग खोलते हैं, तो फर्स्ट वाला तो अब फिर से जीरो होगा, -3 के लॉन्ग खुलेगा, तो 3 के ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा क्या, 1 4 2 5, और थर्ड वाला फिर से जीरो के साथ होगा, तो ये क्या बन गया, -3, और ये बना 5 − 8, -3 − − +3 और 9। यहाँ देख रहे हैं हम लोग -9 था, यहाँ देख रहे हैं हम लोग +9 था। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि किसी एक पेयर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें एक नेगेटिव साइन के साथ रो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। अगर हम लोग दो पेयर को चेंज करेंगे तो हम लोग सोच सकते हैं कि एक बार फिर से एक नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फिर से सेम वैल्यू दे देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होगा, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी, सेम हो रह जाएगी, और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करेंगे, जहाँ कि यहाँ हमने क्या किया था, एक पेयर को इंटरचेंज किया था, तो एक क्या है, ऑड नंबर है, तो एक पेयर को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन में आ जाएगी, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ, हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए 2016 का ये क्वेश्चन है, इफ डिटरमिनेंट अगर हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी, ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा गया था, देन पूछा था के डेल्टा क्या होगा। तो के डेल्टा का क्या मतलब है, के इंटू ए बी सी डी, इसे हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। ये प्रॉपर्टी भी हमें आगे पढ़नी है कि जो किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ के डेल्टा का क्या मतलब था कि किसी एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए यही हमारे पास ए मैट्रिक्स होता कि ए बी सी डी, तो के ए का मतलब होता के इंटू ए बी सी डी, तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा के सी के डी। तो डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकालते हैं। मैट्रिक्स के रो में हम लोग, मैट्रिक्स के केस में हम लोग हर एक एलिमेंट से इसके कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई होना होगा वो डिटरमिनेंट में हो रहा है या मैट्रिक्स में, उसे हम लोग चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, और डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। ये जो सवाल है ये आपको 2016 और 2017 दोनों में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 − 1 वाई एक्स, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल है, 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो 1 × x माइनस, माइनस क्या होगा, −1 × y, तो ये 1 × x क्या होगा, x माइनस वाई, तो ये माइनस बाहर है प्लस वाई, ये आपके आंसर आए, ठीक है।
एक और सिंपल सवाल करता हूँ। इसमें क्वेश्चन था आपको कि ए इज ए 4x5 मैट्रिक्स, ठीक है, और बी जो है इज ए 5x4 मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में था कि ए इंटू बी जो होगा उस मैट्रिक्स की साइज क्या है, साइज ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, अगर ये ए है और इसकी साइज है 4x5 और ये बी मैट्रिक्स है जिसकी साइज है 5x4, तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या इंश्योर कर देते हैं कि इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, ये जो कॉलम्स हैं ये जितने कॉलम्स होंगे वही इसके इतने रो होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते थे। और मल्टीप्लिकेशन का जो साइज आता था वो हमने क्या देखा था, ए इंटू बी का साइज क्या होता था, इसके रो और इसके कॉलम के साइज के बराबर होता था। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स होगा, तो साइज ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, 4x4 होगा। सिंपल एप्लीकेशन, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखा था उन्हीं चीज़ों का है, ये सब आपके वन मार्कर में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। एक और सिंपल सवाल करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ए गिवन है आपको 7 9 8 4, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है आपको 4 8 -3, और पूछा गया था 2a+5b की वैल्यू क्या होगी। तो 2a का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट में, अगर ये मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 14, ये बनेगा 18, 16 और ये 8। और 5b का क्या मतलब है, 5 × 4 8 -2 3, तो ये क्या बन जाएगा वैल्यू 20 40 -10 और 15। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है क्वेश्चन में। तो 2a+5b की वैल्यू हो जाएगी, टर्म बाय टर्म ऐड करेंगे 14 और 20 34, 18 और 40 58, 16 और -10 +6 8 और 15 21, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।